हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए कोतवाली में तैनात एक दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस की टीम ने दरोगा को अपने साथ देहरादून लेके गई। दरोगा का नाम इंद्रजीत सिंह राणा बताया जा रहा है। यह हरिद्वार जिले में लंबे समय से तैनात था। दरोगा इंद्रजीत सिंह धोखाधड़ी के एक मामले की जांच कर रहा था और उसमें 41 CRPC का नोटिस तामील कराने के नाम पर और आरोपी को बचाने के नाम पर पीड़ित से 30,000 की रिश्वत मांग गई थी और इसके लिए पीड़ित को ज्वालापुर कोतवाली के प्रथम तल पर बने सरकारी आवास में बुलाया गया था। पीड़ित की शिकायत पर रविवार को देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद ज्वालापुर कोतवाली में दरोगा इंद्रजीत सिंह राणा से देर रात तक पूछताछ करने के बाद विजिलेंस की टीम अपने साथ उसे देहरादून लेकर आई। यह हरिद्वार से हमारे सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।